अधीक्षक सहित पुलिस प्रशासन की टीम ने दरियावाद पंचायत समिति क्षेत्र अधीनस्थ स्वदेनशील एवं अधि स्वदेनशील मतदान केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक चुनाव राम जाट ने राजकीय उच्च माध्यमिक व महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय दरियावाद, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं खुता पार्सोला सहित विभिन्न स्वदेनशील एवं अति स्वदेनशील मतदान केंद्र का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को निष्पक्ष निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से मतदान कराने के निर्देश दिए। अगर इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी उत्पात मचाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि पंचायती राज चुनाव को लेकर पुलिस ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर चुके हैं तथा आगामी 3 अक्टूबर को मतदान के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस सहित विशेष टीम लगाई जाएगी ताकि दरियावाद क्षेत्र में सफलतम रूप से मतदान हो सके। इस दौरान उपखंड अधिकारी करतार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई, सीआई भगवान लाल मेघवाल, एएसआई कंवर लाल चंदेल सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। साहब ने और एसएचओ ने यहाँ के जो बूथ हैं उनकी विजिट कर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर के किस तरह की क्या क्या हमारे यहाँ पे तैयारियां हैं उसकी विजिट की है और लगभग हमारी तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी है। और मैंने एसएचओ को सीओ साहब को ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाबंदी की कार्रवाई है और लोकल एवं स्पेशल एक्ट के अंदर जो कार्रवाई है वो अधिक से अधिक की जाए। हमारे पास में पर्याप्त जाब्ता है और जो भी बदमाशी करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। में आज पंचायत राज चुनाव को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम आज दरियावाद के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं दरियावाद के खूता पारसोला सहित आसपास के इलाकों में चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी करतार सिंह, पुलिस उप अधीक्षक अरविंद विश्नोई, दरियावाद थाना सीआई भगवान लाल मेघवाल भी मौजूद रहे। वहीं विभिन्न मतदान केंद्र का निरीक्षण करके आगामी चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।